टीवी का लोकप्रिय शो है कुंडली भाग्य, पर उससे भी ज्यादा पॉपुलर है शो की लीड एक्ट्रेस श्रद्धा आर्य, जो शो में प्रीता का किरदार निभा रही हैं। इनका ये किरदार बहुत ही सुलझी हुई लड़की का किरदार है और इसी किरदार को ये अभिनेत्री बहुत ही खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतार रही हैं। तभी तो पिछले 3 सालों से ये अपने इस किरदार के साथ दर्शकों के बीच एक लोकप्रिय नाम बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब जानते हैं, पर शायद आप इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते होंगे कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से इन्होंने अपनी फैमिली से निकलकर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई थी। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब देने वाले हैं, इनकी परिवार की फैमिली हिस्ट्री बताकर। अगर आप भी इनके परिवार का इतिहास जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और साथ ही श्रद्धा आर्य के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कुंडली भाग्य शो में प्रीता का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुई एक्ट्रेस श्रद्धा आर्य बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं, जो अपने किरदार को बहुत ही खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतारती हैं और लोगों को अपना दीवाना बनाती हैं। लोगों को अपने अभिनय से दीवाना बनाने वाली ये एक्ट्रेस दिल्ली के एक आर्य मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं और इनका परिवार शुरू होता है इनके पिता से, जो की मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे और बड़े हुए हैं। और बड़े होकर उन्होंने एक प्राइवेट एम्प्लॉय के तौर पर अपना करियर चुना और आगे चलकर अपने माता पिता की पसंद की गई लड़की से शादी की थी, जिनमें इन्हें 3 बच्चे हैं। वहीं आज भी ये अपनी इसी परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं बात करें इनकी मम्मी के बारे में, तो इनकी मम्मी शादी से पहले एक टीचर थी, पर शादी के बाद उन्होंने अपने परिवार को चुना और अपनी जॉब छोड़कर अपने परिवार में बिजी हो गई। वहीं आज भी वो बतौर हाउसवाइफ अपने परिवार को संभालती हैं और लाइमलाइट से दूर रहती हैं। माता पिता के बाद बात करें इनके सिबलिंग के बारे में, तो इनकी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। बहन का नाम दिव्या है, जिन्होंने टीवी पर्सनालिटी रमन हांता से कोर्ट मैरिज की थी, पर कुछ सालों बाद ही दोनों का डाइवोर्स हो गया था क्योंकि वो इनके साथ घरेलू हिंसा करते थे। जब उस समय इन्होंने ही अपनी बहन को बचाकर अपने जीजा जी को पुलिस के हवाले कर दिया था, तब से ही इनकी बहन इनके साथ रहती हैं और इनकी मैनेजर के तौर पर काम करती हैं। बात करें इनके भाई के बारे में, तो इनके भाई लाइमलाइट से दूर रहकर बतौर बैंक मैनेजर काम करते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में सिंगल हैं। अब बात करते हैं इस फैमिली की स्टार श्रद्धा आर्य के बारे में, जिनका जन्म 17 अगस्त 1987 को नई दिल्ली में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई हंसराज मॉडल स्कूल से की थी, जिसके बाद इन्होंने दिल्ली के कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में, तो इन्हें एक्टिंग में शुरू से ही इंटरेस्ट रहा था, इसलिए इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को बढ़ाने के लिए दिल्ली से मुंबई का रुख किया और साल 2004 में आए रियलिटी शो इंडिया बेस्ट स्टार की खोज से की थी, जिसे ये जीत तो नहीं पाई, पर इन्हें इनका पहला एक्टिंग ब्रेक मिल गया, जो कि एक तमिल फिल्म थी जिसका नाम कलवानीन कड़हाली था, जिसके ऑफर को स्वीकार कर इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद इन्होंने साल 2007 में आई फिल्म निशब्द से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया, जिसमें बेशक इनका रोल काफी छोटा था, पर इनके अच्छे प्रदर्शन के चलते इन्हें आगे कई फिल्में मिली, जिनमें कई तेलुगु और तमिल फिल्म शामिल थी। उन फिल्मों में काम करने से इन्हें कोई पहचान नहीं मिली, जिसके चलते इन्होंने अपना रुख टीवी की ओर किया और टीवी शोज में ऑडिशंस देने लगे। काफी ऑडिशंस देने के बाद इन्हें साल 2011 में मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की शो में लीड रोल निभाने का मौका मिला, जिसे निभाकर इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा और अपने पहले ही टीवी शो से एक घरेलू नाम बन गई थी, जिसके बाद इन्होंने एक के बाद एक कई टीवी शोज में काम किया, जिनमें तुम्हारी पाखी, ड्रीम गर्ल जैसे शोज शामिल हैं। वहीं वर्तमान में ये जी टीवी के शो कुंडली भाग्य में प्रीता का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। टीवी शोज के अलावा इन्होंने कई म्यूजिक वीडियो में भी काम किया, जिनमें सोने हीरे, मेरी जान और व्याह नहीं करोना तेरे नाल जैसे पॉपुलर म्यूजिक वीडियो शामिल है। वहीं आपको बताते चलें कि एक्टिंग के अलावा भी इनकी कई हॉबीज हैं। इन्हें कुकिंग करना काफी पसंद है, ये अक्सर नई नई डिश बनाकर अपना टाइम पास करती रहती हैं और अपनी इस हॉबी से अपने फैंस को भी नई नई डिश बनाना सिखाती हैं। प्रोफेशनल लाइफ के बाद अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की, तो आपको बता दें कि वर्तमान में ये अपने बॉयफ्रेंड बिजनेसमैन और लॉयर आलम बक्कर के साथ सगाई कर चुकी हैं, जिनके साथ ये नचबली में भी नजर आई थी और अब आने वाले समय में ये जल्द ही उनसे शादी करने वाली है। आपको बता दें कि आलम से पहले भी इन्होंने बिजनेस टाइकून जयंत रत्ती से सगाई की थी, पर आपसी मतभेद के चलते दोनों जल्द ही अलग हो गए थे। उनसे रिश्ता खत्म करने के बाद इनके जिंदगी में आलम ने दस्तक दी, जिनके ये अब इतना नजदीकी आ चुकी हैं कि अब उनसे जल्द ही शादी करने वाली हैं।
तो दोस्तों आपको श्रद्धा आर्य की फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।